सरोकार। चीन की चालबाजी को करारा जवाब, आज बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं होगा भारत। आज गोरखपुर में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज लोकसभा में फायरिंग का मुद्दा उठाएंगे ओवैसी, हमला करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। सांसद ओवैसी पर हमले के विरोध में देश भर में शांति प्रदर्शन करेगी एआईएमआईएम। जिले में 20 लाख वोटरों के साथ करेंगे वर्चुअल संवाद अखिलेश, मायावती और प्रियंका गांधी करेंगी वोट की अपील। पीएम आज पश्चिम यूपी के लिए 5 जिलों में 20 लाख वोटों के लिए। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और राज्य के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर में नामांकन पत्र दाखिल करते हुए मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। नामांकन को लेकर एसपी सिटी ने बताया कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को सुचिता पूर्वक आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के साथ संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसे लेकर बैरिगेटिंग और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ पिलखुआ एरिया में नेशनल हाईवे पर छिजारसी टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला करने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर ने 4 राउंड फायरिंग की, जबकि 2 बुलेट लगने से ओवैसी की कार के निचले हिस्से में छेद हो गया, लेकिन इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। वहीं इस मामले को लेकर ओवैसी ने कहा कि ये सुनियोजित साजिश है और घटना की जांच होनी चाहिए। आज शाम में जैसे ही एमआईएम चीफ ने अपने ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी कि उनके काफिले पे अटैक हुआ है और वो ठीक हैं, इस सूचना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां पर ये घटना होना बताया जा रहा है वहां पे लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोगों को, और वहां के वीडियो फुटेजेस निकालने के बाद से ऐसा लग रहा है कि 2 व्यक्तियों ने इसमें फायरिंग की है, जिसमें से 1 व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। वो उसका नाम सचिन है और वो बादलपुर थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और उसके पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। उससे विस्तृत पूछताछ चल रही है तथा उसके अतिरिक्त और कौन कौन लोग हैं उसके द्वारा जो सूचना दी जा रही है उसको डेवलप करके और बहुत शीघ्र ही हम लोग इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे कि अटैक का क्या कारण था। लेकिन सबसे संतोष की बात यह है कि पुलिस की जो क्विक रिएक्शन के कारण 1 व्यक्ति हिरासत में लिया गया है और वो वीडियो फुटेज से स्पष्ट है कि वो उस घटना में शामिल है। बांदा जनपद के 4 विधानसभा में अंतिम दिन तक आधा सैकड़ा प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया। दर्जनों प्रत्याशी दल बल के साथ नामांकन स्थल पहुंचे और गाने बाजे के साथ उत्साहित दिखे। वहीं नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बांदा जन अधिकार पार्टी के सदस्य, विधानसभा प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष हनुमान दास राजपूत ने कहा कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनने से हमारी पार्टी और प्रत्याशियों को जनता का समर्थन मिल रहा है। हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं और इस बार फिर हमारी पार्टी गठबंधन की सरकार बनाकर अपने क्षेत्र, जिले और प्रदेश में विकास करेंगे। वर्तमान सरकार की जनता विरोधी नीतियों के बारे में जाकर बताएंगे कि हमारे साथ बामन मेसराम जी आ गए जो दलितों को लेकर के चल रहे हैं, पिछड़े वर्ग के नेता हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा हरिंग और ओवैसी साहब
हमारे साथ हैं, जिनके साथ उनका समुदाय साथ में है। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? मुद्दा हमारा, हम हमेशा ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति को देते रहे हैं। लगभग 1.5 वर्ष तक हमने संघर्ष किया है, महंगाई, डीजल पेट्रोल की महंगाई को लेकर के, अन्ना प्रथा को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, और दोहरी शिक्षा नीति है जो इस शासन की गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और इसके साथ किसानों के लिए खाद, बिजली और बीज, दवा, ये सब हम सस्ते रेट पर देने का वादा करेंगे और इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लड़ाई करेंगे। खबर संभल से है, जहां सदर क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी हाजी शकील अहमद ने बजोई रोड के अपने कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ मुरकबपुर पहुंचे, जहां क्षेत्र भीम जय भीम के नारों से गूंज उठा। इस दौरान बसपा प्रत्याशियों ने कहा कि वो सपा विधायक की तरह स्वागत द्वार बनाने में फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, बल्कि गरीबों के कल्याण में पैसा लगाएंगे। अयोध्या के विधानसभा गोसाईगंज क्षेत्र में भाजपा समर्थक और सपा समर्थक के बीच हुई नोकझोंक को लेकर सपा प्रत्याशी अभय सिंह के पिता भगवान बख्श सिंह ने कहा कि 73 साल में गुजर रहा हूं और ये चुनाव उत्तर प्रदेश के स्तर पर लोकतंत्र बनाम तानाशाही के बीच में है। जनता हमारे साथ है और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो वहीं सपा के प्रत्याशी अभय सिंह और कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज होने के मामले को लेकर कहा कि उनका मुकदमा दर्ज करना अधिकार है। अयोध्या में बीकापुर सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान अमित सिंह ने कार्यकर्ताओं को बैठक में तीन जीत का मंत्र दिया। और वहीं इस बैठक के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश पांडे बादल ने दावा किया कि एक बार फिर पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। अरे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, एक परिवार है। जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस नारे को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को पता है पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। आप सोचिए, एक पाँच साल से मेहनत करता है, वो छोटा सा कार्यकर्ता पार्टी जिम्मेदारी दे सकती है, बहुत बड़ी चीज़ है। निश्चित ही आगे भविष्य पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी हमें, हम उसका पूर्ण अच्छे मन से। खबर बांदा से है, जहां की 232 विधानसभा तिंदवारी से कांग्रेस प्रत्याशी आदिशक्ति दीक्षित ने नामांकन कराया, तो दूसरी तरफ निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाजपा रामकेश निषाद ने भी तिंदवारी विधानसभा से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी आदिशक्ति ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है, तिंदवारी सीट पर हमें जीत हासिल होगी। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी रामकेश निषाद ने भी नामांकन के दौरान कहा कि भाजपा की किसी से टक्कर नहीं है और अब की बार भी भाजपा ही सरकार बनाएगी। हम अपने किसान भाइयों के मुद्दे और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, और यहाँ के छात्रों की समस्याओं को लेकर के, व्यापारियों के, इन सब लोगों के समस्याओं को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? हमें अपने क्षेत्र का पूरा समर्थन मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, और सब लोग कह रहे हैं कि मतलब कहने को आप हमारी तरफ से लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार राष्ट्रवाद और अपनी संस्कृति को लेकर के, अपने बुंदेलखंड के विकास और जो भी योजनाएं धरातल में ला करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत कार्य किया है, इसी को लेकर के जन जन तक विकास पहुंचे और सभी का उत्थान हो। आपके क्षेत्र में लड़ाई किससे मानते हैं? खबर चंदौली से है, जहां इंडियन बैंक में बीते दिनों चोरों ने 39 लॉकर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच की टीम के साथ जनपद पुलिस भी मामले का खुलासा करने में लगी हुई है। लेकिन अब इस मामले पर राजनीति गर्म होती दिखाई दे रही है, जहां इंडियन बैंक के निरीक्षक भी पहुंचे और सपा राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू ने अधिकारियों और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर शनिवार तक इस मामले का निस्तारण नहीं किया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। ये आज कहा है कि आपने जिला के डीएम साहब, कप्तान साहब
और जिला सभी बैंक के अधिकारी और जितने लोगों की लाकर कटी है उन लोगों को संयुक्त बैठक एक बुलाया जाए और उसमें निर्णय लिया जाए कि क्या होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ होगा। क्योंकि जो खाता धारक हैं जिनका चोरी हुआ है, जिसकी बिटिया की, कल मैं आया था, एक माँ बेटी दोनों साथ में रो रही थी, मुझे बहुत कष्ट हुआ क्योंकि बिटिया की शादी पड़ी है और उसका पूरा गहना इस इलाके में था और चोरी हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बैंक के सभी अधिकारी और डिपार्टमेंट कप्तान और DM सब लोग मिलकर एक संयुक्त बैठक करें और एक फैसला लें। शनिवार तक का मैं टाइम देता हूँ। इससे हरदोई के बेनीगंज थाना क्षेत्र में जहां क्षेत्र पुलिस की मुस्तैदी से अवैध तमंचे बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों पर सालों से कोई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और कई आपराधिक मुकदमे चलने के बाद अब पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेनीगंज का रहने वाला राम बालक पुत्र श्री राम लोहार, ये हिस्ट्री शीटर है और गैंग मेंबर भी है और इसके ऊपर विगत में 13 मुकदमे अवैध असलहों के ही दर्ज रहे हैं। इसके साथ एक लुटेरा मैकू पुत्र नन्हे पकड़ा गया है। ये लोग एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने में लिप्त थे, जिन्हें इंस्पेक्टर बेनीगंज ने अपनी टीम के साथ मैं 13 असलहे अवैध असलहे और शस्त्र बनाने के सामान के साथ पकड़ा है। इनका आशय था कि चुनाव में चुनाव को बाधित करने की दृष्टि से और आतंक फैलाने की दृष्टि से ये असलहे बांटे जाते। मथुरा में कुछ दिन पहले वर्तमान प्रधान और प्रस्तावक रामवीर की हत्या कोकुला वन में कर दी गई थी। SOG सर्विलांस थाना कोसीकला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम प्रधान की हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही हत्या में शामिल अन्य 3 अभियुक्तों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़े गए 76 अभियुक्तों की निशानदेही पर हथियार और सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता के बारे में भी जानकारी दी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि 21 करोड़ के अनुदान को अपने अनुसार खर्च करने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। गांव की विकास के लिए सरकार द्वारा दी गई 21 करोड़ की धनराशि के ऊपर कब्जा करने के लिए वे गांव से संबंधित अन्य कारण जो कि अमोल के मन में प्रधान जी के प्रति रंजिश पैदा हुई थी, उसी के चलते प्रधान जी को रास्ते से हटाने के लिए ये घटना प्लान की गई, जिसके लिए उसके द्वारा शूटर्स हायर किए गए और ये घटना कारित कराई गई। इस पूरी घटना को अनावरण करने हेतु मथुरा की स्थानीय पुलिस सर्विलांस SOG स्वाट टीम के साथ साथ अन्य थानों की पुलिस और क्राइम टीम द्वारा अंतक मेहनत करते हुए इसका सफल अनावरण किया गया है, जिसके प्रोत्साहन हेतु ADG जोन आगरा सर द्वारा 50,000। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस।